अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं मटन तहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज बनाएंगे तहारी थोड़ा सा अलग स्टाइल में। इसमें डालेंगे मसूर की दाल, जो साबुत मसूर दाल होती है वो डालेंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोश्त को पका लेंगे। इसके लिए कुकर लेंगे, इसमें डालेंगे तेल, एक चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का। रख के लेंगे और लो फ्लेम पे 2 विजल लेंगे। इतने में जो है गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रेशर रिलीज़ करके यहाँ पे चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त गलने के बाद भी इसमें ग्रेवी कितनी सारी बाकी रही है। इतनी ग्रेवी यहाँ पे तहारी के लिए ज़रूरी होती है, इतना रखना चाहिए। अब उसको गोश्त को रख देंगे साइड में। तो गैस पे रख देंगे एक बड़ा सा भगोना, इसमें डालेंगे तेल। 3 बड़े चम्मच तेल मैंने यहाँ पे डाला है। तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 तेज़पत्ता है बड़े वाले साइज़ का, तो इसको मैंने 2 डिवाइड किया है। इसको थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें 6 से 8 काली मिर्ची, 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी के पीसेस, 4-5 लौंग और थोड़ा सा शाहजीरा है 1/2 चम्मच जितना। इन मसालों को तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें
और 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चावल अच्छी तरह से दम हो चुका है एंड इस पे जितना भी पानी था, मॉइस्चर था, सारा ड्राई हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। इसको हल्का सा टर्न करके देख लेंगे तो ये देखिए, ये तहारी जो है दम भी हो चुकी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, सलाद के साथ। तो ये गुलबर्गा की मशहूर तहारी है। गुलबर्गा में तहारी जब बनती है, इसको अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में बनाया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा वे है इसका, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से मसूर की दाल डाल के जो है तहारी बनाएंगे। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके गाइज, अल्लाह हाफ़िज़।